आज मैं आपको मिक्स चिकन राइस बनाकर दिखाऊंगा। इसके लिए आपको चाहिए छोटे छोटे पीस में कटे हुए चिकन, चावल धोकर अच्छे से सोक कर लीजिएगा, एक बड़ा आलू काट कर छोटे छोटे टुकड़े कर लेना है, मिर्ची हरी मिर्च, एक चम्मच अदरक, एक चम्मच लहसुन पिसा हुआ, थोड़े से टमाटर कटे हुए, थोड़े से कैप्सिकम कटे हुए, शिमला हरा शिमला मिर्च और एक बड़ा प्याज कटा हुआ। मसाला में आप लेंगे हल्दी एक चम्मच, धनिया पाउडर एक चम्मच, जीरा पाउडर एक चम्मच, साबुत जीरा एक चम्मच, तेज पत्ता, ये गरम मसाले में दालचीनी, लौंग, इलायची और कुछ काली मिर्च के दाने। अब एक कढ़ाई में तेल गरम करके पहले आलू को हल्का फ्राई कर लेंगे। जो हल्के लाल हो जाए तो इन आलुओं को उतार लेंगे। अब प्रेशर कुकर गरम करकर इसमें तेल डालिए। तेल गरम हो जाने पर तेज पत्ता पहले डालिए और उससे साबुत जीरा, थोड़ा तेल डालिए। हल्का लाल हो जाने पर इसमें आप प्याज डाल दीजिए। अब इसमें दालचीनी, इलायची, काली मिर्च, गोल मिर्च डाल दीजिए और हिलाइए। फिर अदरक का पेस्ट, लहसुन का पेस्ट, इन्हें भी अच्छी तरह से मिला लीजिए। देखिए इसका रंग बदल रहा है, हल्का लाल। अब आप इसमें हरी मिर्च ले लीजिए, आपको जितना तीखा खाना हो आप उसमें इस तरह से ले सकते हैं। अब आप इसमें टमाटर डाल दीजिए। अगर आपके पास टमाटर ना अवेलेबल हो तो आप टमाटो सॉस का भी व्यवहार कर सकते हैं, इसमें टमाटो सॉस भी डाला जा सकता है। अच्छे से हिलाइए। अब इसमें हल्दी पाउडर, जीरा पाउडर और धनिया पाउडर डाल दीजिए और हिलाते रहिए। अब इसमें आप स्वाद अनुसार नमक डाल दें। थोड़ा सा पानी डालिए और अच्छे से हिलाइए ताकि अच्छे से मसाला पक जाए। आपका स्वाद इसी मसाले के ऊपर निर्भर करेगा। अब इस पे आप चिकन मिला लीजिए। और एक मिनट तक पकाते रहिए। इस तरह से मिलाते रहिए, एक मिनट तक पकाइए।
इस तरह से थोड़ा पक जाने के बाद आप इस पर चावल डाल दें और हिला दें, एक मिनट तक इसे मिक्स करके हिलाते रहिए। एक मिनट हिलाने के बाद इसमें अब आप फ्राई किए हुए आलू और शिमला मिर्च डाल देना है। इसे भी आप एक मिनट तक हिलाते रहिए और उसके बाद पानी दे देना है। इस तरह से पानी डालकर थोड़ा गरम मसाला या मीट चिकन मसाला आप दे सकते हैं। इस तरह से डालकर अब प्रेशर को बंद कर देना है। तीन सीटी होने के बाद आप इसे बंद कर दीजिए और ये आपका बनके तैयार हो गया है। अब इसे गर्मा गर्म परोसिए, इस तरह से देखिए पापड़ के साथ बहुत ही बढ़िया लगेगा। देखिए कितना खूबसूरत और खाने में भी उतना ही टेस्टी।